और पटना का मरीन ड्राइव न सिर्फ राजधानी पटना बल्कि बिहार के लिए एक नया एहसास है। पटना ही नहीं, प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोग यहां पर खूबसूरती को निहारने के लिए आते हैं। मरीन ड्राइव पर लोगों की भीड़ देखते हुए सरकार ने इसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करने का फैसला किया है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में उच्च स्तरीय बैठक हुई और इस बैठक में इस बात का निर्णय लिया गया है कि जल्द से जल्द मरीन ड्राइव पर एम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स, जॉगिंग ट्रैक, म्यूजियम बनाया जाएगा ताकि राजस्व में भी वृद्धि हो और लोगों को मरीन ड्राइव पर आकर अच्छा एहसास हो सके। मेरे पीछे जो ये खूबसूरत सड़क आपको दिख रही है, ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। दरअसल ये पटना का मरीन ड्राइव है जिसे ना सिर्फ पटना बल्कि बिहार के सभी ज़िलों के लोग जानते हैं और यहाँ पर शाम के समय भारी भीड़ होती है। अब सरकार इसे डेवलप करने वाली है। यहाँ पर आपको अम्यूज़मेंट पार्क से लेकर वाटर पार्क, मॉल, शॉपिंग मॉल, ये तमाम चीज़ें आने वाले समय में यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा जो एक बार जो हमारे सहयोगी हैं राकेश, दिखाएं कि यहाँ पर रोज़ाना अगर देखें तो शाम और सुबह के समय हज़ारों गाड़ियाँ आती हैं, लिहाजा यहाँ पर पार्किंग की कमी खलती थी लोगों को। अब पार्किंग की समस्या भी दूर होगी और इस एरिया में पार्किंग बनाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, इसके अलावा आपको रिवर राफ्टिंग की भी यहां पर व्यवस्था की जाएगी। यानी अगर इस सड़क की बात करें तो इसे पूरी तरीके से टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप करने की सरकार की तैयारी है। पिछले साल ये सड़क बनकर तैयार हुई थी। साल 2013 में मरीन ड्राइव का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था और 10 साल लग गए थे इस सड़क के निर्माण में। 2022 में इसका उद्घाटन हुआ था और तभी से यहाँ पर लोगों ने इस सड़क को हाथों हाथ लिया। ना सिर्फ राजधानी पटना बल्कि बिहार के अलग अलग ज़िलों से लोग यहाँ पर आते हैं क्योंकि इसकी जो खूबसूरती है उसे शब्दों में आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं। अब आप मरीन ड्राइव पर आएंगे तो आपको यहाँ पर शॉपिंग करने की भी सुविधा होगी, आप पार्क में बैठकर प्राकृतिक नज़ारे का आप लुत्फ भी उठा सकेंगे, खाने पीने का इंतजाम भी होगा, गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था भी होगी और सबसे बड़ी बात है कि अम्यूजमेंट पार्क से लेकर आपको रिवर राफ्टिंग और तमाम तरह के जो मनोरंजन के साधन होते हैं उसके लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा। आपको मरीन ड्राइव के पास ये सारी चीज़ें मुहैया होंगी। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश के साथ रितेश मिश्रा, न्यूज़ नेशन, पटना।